विराट कोहली के साथ हुए विवाद पर नवीन उलख ने तोड़ी चुप्पी। मैच के बाद हाथ झटकने वाले मामले पर अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने उगला जहर। कोहली पर बोला ऐसा जिससे विराट के फैंस हो गए आग बबूला। आईपीएल के 16वें सीजन में स्टार खिलाड़ी विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उलख के बीच नोकझोंक को कोई कभी नहीं भूल पाएगा। आरसीबी और लखनऊ के बीच जंग को पूरे क्रिकेट जगत ने देखा। उस तर्क में गलती किसकी थी, इसका जवाब तो वहां मौजूद लोग ही दे सकते हैं। लेकिन इस तू तू मैं से आईपीएल पर दाग लगा और खिलाड़ियों की आलोचना हुई। ऐसे में नवीन उलख ने बताया कि आखिर इस विवाद में हुआ क्या था। नवीन उलख ने अपने बयान में कहा कि मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, मैं किसी को मेरे बारे में कुछ भी गलत कहते नहीं सुनता। विराट ने तब शुरुआत की जब हम मैच के बाद हाथ मिला रहे थे। नवीन ने कहा कि स्पष्ट था कि रेफरी द्वारा दी गई पेनल्टी से ये सब किसने शुरू किया। नवीन ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में फिर से ऐसा होगा तो मैं उसी तरह से जवाब दूंगा। हैंडशेक के बारे में बात करते हुए नवीन ने कहा, उसे मैच के दौरान और बाद में सब नहीं करना चाहिए था। मैंने लड़ाई शुरू नहीं की, मैच के बाद जब हम हाथ मिला रहे थे तो विराट कोहली ने लड़ाई शुरू कर दी। जब आप सजा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लड़ाई किसने शुरू की। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि आमतौर पर किसी को स्लेज नहीं करता, और करता भी हूं तो बल्लेबाजों के साथ ऐसा तभी करूंगा जब मैं बॉलिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैं बॉलर हूं। मैंने उस मैच में एक भी शब्द नहीं बोला था, मैंने किसी को स्लेज नहीं किया। जो खिलाड़ी वहां थे वे जानते हैं कि मैंने स्थिति को कैसे संभाला। मैच के बाद उस दिन मैंने विराट से हाथ मिलाया और मैं आगे बढ़ गया, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपने हाथ खींच लिया क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ गया। इसके बाद उस घटना को कुछ और ही मतलब दे दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद कई मैचों के दौरान मुझे प्रशंसकों ने निशाना बनाया। मुझे 70 से 80 हजार लोगों को जवाब दे रहा था। इसके बाद मैंने मैच पर फोकस किया। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ की पारी के 17वें ओवर से शुरू हुआ था, जब विराट स्टंप्स के पीछे से दौड़ते हुए आए और नवीन को कुछ इशारा किया। इस पर अफगानिस्तान का नवीन भी उनके करीब आ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी बहस के चलते विराट कोहली और नवीन के बीच लड़ाई हो गई। उसके बाद जब गौतम गंभीर आए तो दोनों के बीच माहौल गर्मा गया। अमित मिश्रा ने बीच बचाव कर मारपीट खत्म की। इसके बाद भी दोनों ने आरसीबी और लखनऊ के बीच मैच के दौरान इंस्टा स्टोरीज पोस्ट कर अपनी अपनी तकरार जारी रखी। तो वहीं अब आईपीएल खत्म होने के बाद जिस तरह से नवीन उलख ने विराट कोहली पर निशाना साधा है, उससे विराट कोहली के फैंस आग बबूला जरूर हो गए होंगे। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।